अस्सलामुअलैकुम। अगर आपके घर मेहमान आए और आपको मटन में कुछ खास बनाना है लेकिन आसान भी होना चाहिए तो ये मटन मसाला की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। इसे बनाना आसान है, घर पर अवेलेबल सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आप बना सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल कुक विद फेम भी सब्सक्राइब कर लें। मटन में डालने के लिए हमें एक मटन मसाला पेस्ट बनाना है तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। दो मीडियम से थोड़े बड़े साइज के टमाटर डाल दें, एक या दो हरी मिर्च, मुट्ठी भर मूंगफली, 8 काजू, दो बड़े साइज की फ्राई की हुई प्याज, मुट्ठी भर धनिया के पत्ते, 10 से 12 पुदीने के पत्ते, 4 से 5 टेबलस्पून भर के दही। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पीस लें पेस्ट की तरह। ये पिसा हुआ पेस्ट अब रेडी है। मटन मसाला बनाने के लिए एक वेजल गरम कर लें और इसमें डालिए 1/4 कप तेल। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। तेल गरम होने के बाद इसमें डालिए 2 इलायची, 4 लौंग, 2 दालचीनी के इस साइज के पीसेस, थोड़ी सी काली मिर्च। 15 से 20 सेकेंड के लिए इसे सॉटे कर लें। अब नेक्स्ट इसमें 1/2 किलो गोश्त डाल दें। गोश्त को अच्छे से भूनते जाइए, फ्लेम को हाई पे रखिए। गोश्त का रंग बदलने तक ऐसे ही फ्राई करिए। गोश्त को इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसे भी भून लें, फ्लेम को हाई पे ही रखिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद अब फ्लेम को लो पे रख दें और इसमें हम थोड़े से ड्राई मसाला पाउडर डाल देते हैं। धनिया पाउडर डालिए 1 टीस्पून, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, सॉरी 1 टेबलस्पून डालिए गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून चलेगा, लाल मिर्च पाउडर 2 या 3 टीस्पून डालिए। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी 1 टीस्पून डाल रही हूँ। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भूनिए, तभी मसाले नहीं जलेंगे। अब आप फ्लेम को हाई पे रख सकते हैं। अब हाई फ्लेम पे भूनते जाइए इसे अच्छे से। इसी तरह हमें 5 से 6 मिनट तक भूनना है। हाई फ्लेम पे 2 मिनट, मीडियम फ्लेम पे 4 मिनट। थोड़ा सा नमक भी डाल दें, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। इसे भूनते जाइए अच्छे से। अच्छे से भूनने के बाद इसमें पिसा हुआ मसाला पेस्ट डाल दें। इसे डालने के बाद फ्लेम को हाई पे रख के भूनते जाइए अच्छे से। इसी में टेस्ट आएगा, जितना भूनेंगे उतना ही टेस्टी ये मटन मसाला बनेगा। तेल साइड्स में नजर आने तक ऐसे ही हमें भूनते जाना है। इसे इस तरह से अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मटन हमारा गल जाए। पानी 1.5 ग्लास डाल दें। थोड़ी देर के लिए फ्लेम को हाई पे रखिए ताकि इसमें उबाल आ जाए। थोड़ा सा नमक चाहिए हमें इस वक्त, डाल दें। देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब फ्लेम को लो पे रख दें, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और लो फ्लेम पे गोश्त अच्छे से गलने तक हमें इसे ही पकाना है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लो फ्लेम पे विजल में गलाने से मटन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ज़बरदस्त मटन मसाला तो हमारा रेडी है। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, देखिए इतना मसाला तो इसमें रहना ज़रूरी है। आपको और ड्राई चाहिए तो इसे और थोड़ा सा पका लें हाई फ्लेम पे। थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दें,
आधे नींबू का रस भी डाल देंगे। गर्मा गर्म खुशबूदार बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल मटन मसाला की रेसिपी तो रेडी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट में भी बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल फेम रेसिपीज एंड ब्लॉग्स भी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर मैं आसान झटपट रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।